दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ओटीटी क्रेजीज। मेरा नाम सूर्य है और मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से स्कैम 2003 के बारे में। 1992 में जहाँ पर स्कैम हुआ था, वो किसका स्कैम? हर्षद मेहता का 1992 वाला स्कैम 1992 जिस पर बनी थी, उन्हीं की टीम ने अब स्कैम 2003 लेकर आया है, जो तेलुगु स्कैम है। 2003 में हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, क्योंकि पहला जो घोटाला था 1992 वाला वो 5,000 करोड़ का था, ये घोटाला हुआ था 30,000 करोड़ का। आप सोच नहीं सकते हो, इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा स्कैम हुआ था, वो भी 2003 में, जब कंप्यूटर इंटरनेट बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं था, तब इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ, कौन वो शख्स था, उस पर ये पूरी पूरी वेब सीरीज है। तुषार ने इसे डायरेक्ट किया, तुषार हिरानंदानी कुछ ऐसा ही नाम है सरनेम। बहुत बढ़िया जो बीजीएम है स्कैम 1992 वाला, वो सेम बीजीएम है, इसलिए बहुत जान आता है इस टीजर में। मेन कैरेक्टर रिवील नहीं किया है और एक बहुत बढ़िया डायलॉग है इस टीजर में कि पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। बहुत बड़ा डायलॉग, पैसा कमाया नहीं बनाया जाता, पैसा बनाया जाता है। अच्छा लिखा ही है। अब 2 सितंबर 2023 में आने वाला है, यानी तेलुगु स्कैम होने के ठीक 20 साल बाद अप्लॉज एंटरटेनमेंट पे इसका टीजर रिलीज हुआ है, सोनी लिव पर ये आने वाला है। मैं एक्साइटेड हूँ, देखना चाहूँगा इस फिल्म को ज़रूर। कई सारे मोमेंट्स है टीजर में जो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ट्विटर आने पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा इस बारे में, लेकिन हाँ टीजर अच्छा लगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज रेटिंग देना नहीं चाहूँगा टीजर को, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़े से डायलॉग्स और थोड़ी चीज़ें रिवील हो तो मैं ज़्यादा बेहतर तरह से बात करूँ। बट अच्छा लग रहा है, वाइब दे रहा है बिल्कुल स्कैम 1992 की, और देखते हैं ये कैसा होता है।